बारिश के मौसम में पकोड़े ना हो ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स। तो क्यों ना कुछ हम हेल्दी और प्रोटीन युक्त पकोड़ा बनाएं जो हमारे लिए, हमारे बच्चे और परिवार के लिए भी हेल्दी हो। इस पकोड़े में ना तो मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, ना मैदा डाला है, ना चावल का आटा और ना तो सूजी और ना तो किसी प्रकार का दाल, आलू कुछ भी नहीं डाला है फ्रेंड्स। एकदम इजी और सिर्फ एक ही चीज़ से बनेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ सोनी। तो मैं आज बनाऊंगी सिर्फ चने से ही ये प्रोटीन युक्त पकौड़ा। इस चने को धोकर मैंने एक रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया है। इसे जब फूल जाएगा ना तो एयर टाइट कंटेनर में हम इसे रख देंगे छानकर पानी से अलग करके। तब ऐसा ये रात भर में स्प्राउट वाला चना बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक मिक्सी ग्राइंडर में कुछ चने लेने हैं, दो हरी मिर्च लेनी है, कुछ कलियां लहसुन की लेनी है और नमक और पानी डाल करके इसे हमें दरदरा पीस लेना है। इस टाइप से हम पीस लेंगे और पीसने के बाद फ्रेंड्स एक बाउल में निकालेंगे। कुछ इस टाइप के हम पीसेंगे, आप देखिए दरदरा। फिर इसमें मैंने डाला है 4 मुट्ठी स्प्राउट चना। आपके यहाँ अगर फैमिली जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब इसमें हमने डाला है कुछ पत्तियाँ कड़ी पत्ते की और एक हरी मिर्च। ये बरसात की हरी मिर्च है, काफ़ी तीखी होती है फ्रेंड्स। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ बच्चे हैं इसलिए मैं कम यूज़ करूँगी इसका। इससे पहले मैं हरी चटनी बना लेती हूँ। हरी चटनी के लिए मैंने धनिया पत्ता, कुछ कलियाँ लहसुन की और 1 से 2 हरी मिर्च। यह है इमली, यह है रोस्टेड चना 1 से 1.5 चम्मच और नमक, यह है बर्फ के टुकड़े और थोड़े से पानी डाल करके हम इसे पीस लेंगे। यह काफ़ी थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंडर में आप निकाल लें। कुछ इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये चना का बैटर मैंने जो तैयार किया था, मतलब पकौड़ी का, इसमें मैंने डाला है 1 बड़े प्याज को बारीक काट के, कुछ बेसिक मसाले हैं जिसमें धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और काला नमक है। यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सरसों का तेल। फ्रेंड्स सरसों का तेल काफ़ी अच्छा स्वाद बढ़ाता है वो भी चने में, तो आप एक बार डालकर जरूर बनाइएगा। इसमें प्याज कम पड़ रहा था तो मैंने आधा 6 प्याज और लिया है। ये बिना प्याज का भी बनता है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है इसमें प्याज डालना, यह तो फ्लेवर का चीज़ है। मैंने ये कुछ दिन पहले वीडियो बना था जिसको मैं आज लगा रही हूँ एडिट करके, वॉइस कवर कर रही हूँ बस। इसमें मैंने और भी बेसन डाले हैं। अब इसे गहरे तले कढ़ाई में हम ले लेंगे, फ्लैट कढ़ाई में नहीं। जब तेल काफ़ी गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे और फिर स्लो फ्लेम पर कर देंगे फ्रेंड्स। इससे हमारी पकौड़ी जो फ्राई होगी काफ़ी अच्छी तरह से होगी। कुछ मिनट के बाद आप मीडियम हाई फ्लेम पे कर दीजिएगा, क्योंकि आँच का ही इसमें अंतर है। पकौड़ी में ना काफ़ी हाई फ्लेम पर हमें पकौड़ियों को फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से पकेंगे नहीं और ये बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें कुछ भी आपके घर में नहीं है उससे भी आप बना सकते हैं। मैंने बेसन इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने मिलाया था प्याज बाइंडिंग के लिए। अगर आप प्याज नहीं डालते हैं तो आपको कुछ भी नहीं डालना है, ना तो चावल का आटा, ना बेसन, ना मैदा, ना सूजी, ना तो वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। बस कुछ मसाले डालिए और चटपटा सा पकौड़ा और ईजी वे में तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी बताई हुई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मैं आइंदा आपको अच्छे से और समझा सकूं और बता सकूं। और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए प्लीज़ ये कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अब लीजिए, तैयार है हरी धनिया की चटनी और ये मेरा पकौड़ा बिना कुछ लगाए। तो ये तेल भी ज़्यादा नहीं खाता है फ्रेंड्स, इस बात को भी नोटिस करिएगा आप। और बहुत ही हेल्दी है, बच्चे जो चना नहीं खाते हैं वो मांग मांग के खाएंगे। और फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।